सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को मेवात में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है। सभी भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद इस यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। ये वही शब्द है जो मोनू मानेसर ने वायरल वीडियो में कहे थे। वीडियो इतना वायरल हुआ कि यात्रा के दौरान दंगे होने लगे। सिर्फ एक वीडियो की वजह से किस तरह से दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए और उन्होंने नू मेवात में हिंसा की। जो हिंसा हुई उसमें बार बार मोनू मानेसर के नाम की खूब चर्चा होने लगी। ऐसे में ये जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर मोनू मानेसर कौन है और हिंसा में उसके नाम की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल मोनू मानेसर खुद को गौरक्षक बताता है। वो काफ़ी समय से गौ तस्करी को रोकने के लिए अपनी एक टीम के साथ काम कर रहा है। वो गौ तस्करी से जुड़े वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। बीते महीने भरतपुर में राजस्थान के रहने वाले दो युवक जुनैद नासिर की कार में जली हुई लाश मिली थी। इनकी FIR में मोनू मानेसर का नाम सामने आया था। इसके बाद जब पुलिस ने मोनू मानेसर को तलब किया तो वो खुद को बेकसूर बताकर फरार हो गया था। इसके बाद से ही लगातार दूसरे समुदाय के लोग मोनू मानेसर को लेकर खूब गुस्से में थे, उनमें रोष था। इसके बाद जुनैद नासिर के समाज के लोग इस बात से नाराज हैं कि आखिर मोनू मानेसर को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसके बाद अचानक से एक हिंदू संगठन की तरफ से यात्रा निकाली गई जिसमें मोनू मानेसर के आने की खबर थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोनू मानेसर ने यात्रा में शामिल होने के लिए एक वीडियो वायरल किया था। इसके बाद ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भी एक वीडियो वायरल किया गया। इसके बाद जैसे ही यात्रा निकाली गई वैसे ही कुछ दूरी पर यात्रा पर पथराव किया जाने लगा। देखते ही देखते दो गुटों में फिर लड़ाई हुई, भीड़ बेकाबू हो गई और फिर नू में दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया। कई गाड़ियों को जला दिया गया। साइबर थाने पर करीब 1000 लोगों की भीड़ ने हमला किया। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। मंदिर मस्जिदों को तोड़ा गया, जलाया गया, फायरिंग की गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें मेवात से सटे बॉर्डर से गौ तस्करी की जाती है, उसी की रोकथाम मोनू मानेसर और उसकी टीम करती है। जो गौ तस्करी में शामिल होता है उसके साथ ये लोग मारपीट करते हैं। गौ तस्करी में ज़्यादातर मुस्लिम लोगों के नाम आते हैं, इसलिए मोनू मानेसर की टीम उनके साथ मारपीट करती है। ऐसे में दो गुटों के बीच लंबे समय से नफरत का माहौल बन गया था। इसलिए मेवात में पहले भी 2 बार दंगे हो चुके हैं। बता दें मेवात में 80% मुसलमान रहते हैं, इसलिए भी गौ तस्करी को लेकर यहाँ माहौल गर्म रहता है। मेवात को काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, इन सब के बीच जिन लोगों ने आग में जल रहे नू को देखा उनका कहना है कि मोनू मानेसर की आने की खबर को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ उसी से हिंसा हुई। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद नू में हिंसा नहीं होती। वही मेवात नू में हुई हिंसा को लेकर गृहमंत्री अनिल विज का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दंगा करने के लिए पहले से ही सब कुछ प्रीप्लान था। उनका कहना है कि यहाँ अभी हालात सामान्य हैं, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, हिंसा करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। नू में हुई हिंसा में जिला में अब तक 116 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और 26 लोगों पर FIR भी हो चुकी है। हिंसा के दौरान कुल 60 लोग अब तक घायल हुए हैं। पुलिस बल की 14 कंपनियों को फील्ड में उतार दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवानों की तैनाती भी की गई है। खबर यहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।